साथियों, आपके अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले जाने के लिए आ रहे हैं नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र जी। शांति डेंटल क्लिनिक BDS MDS पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद, रामदेव नगर, महादेवा रोड, सिवान, जो कि इस बार इन्होंने ऐलान कर दिया है उप सभापति प्रत्याशी के रूप में सिवान नगर परिषद से। टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। बातों को बनाकर तय करने के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 40,000 गांव में सर्वे किया गया। उस समय के अनुमान के मुताबिक इस पर 3.75 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाएंगे और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की गई। ये तीनों बातें राजनीतिक तौर पर आप जीत भी जाए, एजेंडा भी तय कर दें, उसके लिए बजट का प्रावधान भी हो जाए और उसको करने के लिए कोई व्यवस्था भी बना दी जाए, तो भी अगर आज 8-9 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी चीज बदलती नहीं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार भारत के देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, ये ध्रुव सत्य है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, वैसे इस बात को कोई विवाद नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, देश में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार और गरीबी रेखा से पीछे रहने वाले लोग, 25 सरकारें आई और गई, 5 बार प्रेसिडेंट रूल इंक्लूडेड, 23 साल के कालखंड में 25 सरकार, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास हासिल पर रहा। आप विकास के तौर पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूट गए। फिर 90 से लालू जी की सरकार, उन्होंने बताया कि बिहार को सुधारने के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय के एजेंडे से बिहार को सुधारा जा सकता है। जो लोग बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उनको यह मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू जी की सरकार में एटलीस्ट उनके शुरुआती सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई। जो समाज में बहुत सामाजिक तौर पर पिछड़े दबे हुए लोग थे, उनको थोड़ा बहुत आवाज, उनको शक्ति, उनको ताकत मिली। ये अलग बात है कि आगे के सालों में उनके राज्य की, उनके शासन की स्थिति खराब हुई। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आर्थिक विकास, उस दौर को लोगों ने जंगल राज भी कहा। 2005 न्याय के साथ हमने विकास किया है। मैं कैमरे पर आपके सामने कह रहा हूँ कि ठीक बात है, नीतीश जी के राज में विकास हुआ है, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार की स्थिति सुधर जाए। बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां आज से 30 वर्ष पहले खड़ा था, वहीं पर आज भी खड़ा है। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे, और आज 2022 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य ही है। अगर ये स्थिति बदलनी है तो कोई ना कोई नया प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने राजनीति में ये कहता है कि मैं ही वो नया प्रयास हूँ, मैं ही वो भगवान का भेजा हुआ दूध हूँ, जो आऊंगा उस पर भरोसा कीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को एक साथ आकर सही प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जो मेरा पूरा अभियान है जन सुराज का, वो सिर्फ इसी बात से को लेकर है। अभी कोई दल या मंच नहीं बनाया गया है। जन सुराज एक प्रयास है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बिहार के सभी सारे अच्छे लोग मिलकर बनाए और उनका एक, उनका जो एजेंडा हो, जो काम करने का एजेंडा हो, जो प्रायोरिटी हो, जो दल की प्राथमिकता हो, वो सब मिलकर तय करें।
और सब मिलकर उस एजेंडे को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव 3.5 साल 4 साल के बाद होना है। अगर सिर्फ चुनाव के हिसाब से मुझे काम करना होता तो मैं चुनाव से 6 महीने पहले साल और पहले आकर दल बना सकता था, चुनाव लड़ सकता था। ये 3 साल 4 साल पहले ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये पूरा प्रयास इसलिए है कि समाज में हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो सही व्यक्ति है, जिस तक जिसको जगाने की, समझाने की, एक साथ एक मंच पर लाने की जरूरत है। और इसी दिशा में मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूँ। 60-70 हजार लोगों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। मैंने पटना में मिलना शुरू किया। 5 मई को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि राज्य भर से कोई 17-18 हजार लोग मिलना चाहते हैं या मेरी टीम ने उनसे उनके साथ संपर्क किया है। अब वो संख्या बढ़ के 70 हजार के आसपास पहुंच गए। हर दिन 2000-3000 लोग स्वयं से फोन करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सुझाव है या वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं है कि वो चीज पटना में बैठकर किया जाए, इसलिए हर जिले में जा रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं कर रहे हैं, छोटी गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने का प्रयास है, बोलने से ज्यादा लोगों से सुनने और उनसे सीखने का प्रयास है। आने वाले 5 दिन तक आप देखेंगे कि मैं सिवान में जहां पर भी जाऊंगा कोई राजनीतिक रैली नहीं है। हर जगह जो लोग अपने घर, अपने बरामदे, अपने दलान, अपने स्कूल, अपने एक राज्य से अगर पलायन करने वालों की संख्या देखी जाए वो भी सबसे बड़ी संख्या बिहार से। ये स्थिति क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है, अगर आप बात करेंगे, आप लोग खुद समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता करते हैं, ज्यादातर लोग बताएंगे कि अभी की जो सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है या किसी डिपार्टमेंट में कोई अफसर अच्छा नहीं है, कोई मंत्री अच्छे नहीं है। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं साहब, पीछे की सरकारों ने अच्छा प्रयास नहीं किया, इसलिए स्थिति बहुत खराब है। अब अभी नीतीश जी बहुत प्रयास कर रहे हैं तो भी कितना कर पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिहार की इस स्थिति को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको लंबा देखना पड़ेगा। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी और बिहार का जो पिछड़ापन है ये 70 से शुरू हुआ, 60 के दशक के अंतिम सालों से आगे। और उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी न किसी मानक पर किसी न किसी स्टेट से पीछे न छूटा। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में पूरी व्यवस्था लागू प्रयोगों से में कुछ सफलता मिलती है, कई जगह आप असफल रहते हैं, उसमें कई चीजों से आपको सीखने का अवसर मिलता है। मैंने 10 साल ये काम किया है, 11 चुनावों में मैं जुड़ा रहा। एक यूपी का चुनाव छोड़ दे तो कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा है जिससे मैं जुड़ा हूँ और वहां चुनाव हारे हूँ, लेकिन उससे व्यवस्था बदल गई हो इसका मैं दावा नहीं कर सकता। 1 साल सोचने समझने के बाद मैंने तय किया कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। क्यों? उसकी 2 वजह है। एक, यहाँ विकास के नजरिए से जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसकी जरूरत है। 1975 के बाद बिहार में कोई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ है। जो लोग 75 के पौध हैं, जो 75 के आंदोलन से निकले, चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी या सुशील कुमार मोदी, वही लोग चलाए जा रहे हैं इस स्टेट को। आप किसी की बात छोड़ दीजिए, अगर आप बिहार में पिछले 25-30 साल बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया था। ज्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं करते हैं कि 1970 से 90 के बीच में बिहार में करीब 25 सरकारें आई और गई और उस राज्य